वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम क्लास नंबर टू पर आ चुके हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमी प्रॉब्लम को समझने के बाद क्लास नंबर टू आज हमारा जो है पीपीसी के ऊपर है। तो आप जो है आइकन बटन ऊपर है, आप वहां पर जाएं और क्लास वन का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिएगा तो सबसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द पीपीसी और प्रॉपर्टी एंड अजम्पशन ऑफ पीपीसी। सबसे पहले आपके माइंड में सवाल ये चल रहा होगा, सर ये पीपीसी क्या है। आइए इसके फुल फॉर्म पे भी बात करेंगे और पूरे अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को एक इमेजिनरी टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और वहां से हम पीपीसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। बेसिकली जो पीपीसी हमारा होता है कि ये स्टैंड फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और सी से आपका हो गया कर्व। तो पीपीसी को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी शेड्यूल को लेते हैं और इस इमेजिनरी शेड्यूल से हम पीपीसी के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है सर कि आप एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल क्यों ले रहे हो, आप एक इमेजिनरी शेड्यूल क्यों ले रहे हो। आप डियर मेरी बात पहले समझने की आप कोशिश करेंगे कि अगर मुझे यहां पर किसी चीज को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, बताना है, समझाना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कोई भगत सिंह के बारे में अगर आपको बताना है तो उनको बताने के लिए आप जो है स्वयं खुद भगत सिंह को ही नहीं ला सकते हैं, उसके लिए किसी भी एक्टर से आपको एक्टिंग करवानी पड़ेगी। और ये बात मैं भी जानता हूं और ये बात आप भी जानते हैं। जब हम इस मूवी को देखेंगे हमें मालूम है कि जो ये एक्ट प्ले कर रहा है ये ओरिजिनल में भगत सिंह नहीं है, ये एक एक्टर, ये बात हम जानते हैं। ये एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, ओरिजिनल भगत सिंह नहीं है। तो इस बात को जानते हुए भी हम उसको सीरियसली देखते भी हैं और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो वो स्टोरी है, जो वो कहने की कोशिश कर रहा है, वो कैरेक्टर हाइपोथेटिकल होने की वजह से वो स्टोरी हाइपोथेटिकल नहीं है, वो स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल आपको शेड्यूल ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो आप थ्योरी पढ़ोगे वो भी हाइपोथेटिकल हो गया, वो आपका बिल्कुल रियल है, वो बिल्कुल आपका जो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका जो है उससे रिलेट करता है। तो इसके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल भी है। तो यहां पर मुझे समझाना है, हेल्प लेनी है, तो हेल्प लेने के लिए मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल को ले रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी एक इकोनॉमी के अंदर तो बहुत हो सकती है, तो सबसे पहले मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। और आप जानते हैं क्लास वन में कि हमारे पास में कोई भी चीज अगर हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन के लिए, हमारे पास में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। हमारे पास में बेसिकली गुड्स को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। और आप यहां पर हमारे पास में रिसोर्स जो उसको प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों के चारों रिसोर्स हमारे पास में लिमिटेड है। तो जब हमारे पास में रिसोर्स लिमिटेड है और उससे हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम एक के प्रोडक्शन में रिसोर्सेस को लगा देंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, रिसोर्स को कैपिटल गुड्स में झोंक देंगे, तो फिर हमारे पास में कंज्यूमर गुड्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास में लिमिटेड है। इस बात को ऑलरेडी क्लास वन में हम समझ चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी, और मैं यहां पर दो गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये क्या है, किस चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, और उसको ही लेकर के हमें क्या बना देना है, एक कर्व बनाना है। तो प्रोडक्शन की अगर हम मैं बात करूं तो दो टाइप्स की गुड्स होती हैं। एक हम यहां पर ले लेते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स में चलिए मैं लिख भी देता हूं कैपिटल गुड्स, ठीक है, जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, मान लीजिए हम मशीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं,
ठीक है, और एक कंज्यूमर गुड्स लिख देते हैं। दो टाइप के गुड्स का चीजों को हम करते हैं प्रोड्यूस, तो कंज्यूमर्स गुड, और कंज्यूमर गुड्स को वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पर मैं इसका एग्जांपल के लिए कंज्यूमर गुड्स में वीट ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है जी। अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी सबसे पहले ए पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अब बताइए अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेस को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन रिसोर्सेस की सारी क्वांटिटी को अगर मैं कंज्यूमर गुड्स में लगा दूं तो बताइए कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो पाएगा? जीरो हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं सारे भाई बात पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में कैपिटल गुड्स का जीरो प्रोडक्शन होता है, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं बस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है प्रोडक्शन की। तो अगर हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को अगर आप एक टाइप के गुड्स में आपने इन्वॉल्व कर दिया तो दूसरे टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन आपका नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप यहां पर वीट का प्रोडक्शन करवाते हैं तो आपके पास में मशीन का प्रोडक्शन आपका जीरो होगा, और वीट मान लीजिए आपका 21,000 क्विंटल जो है आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं पॉसिबिलिटी बी की बात करूं तो बी संभावना में क्या हो रहा है कि अब यहां पर आप जो है अगर रिसोर्सिस को बी पॉसिबिलिटीज में अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो तो जाहिर सी बात है मुझे कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए उस पर रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। अब रिसोर्सेज मेरे पास में आएंगे कहां से? वो मेरे पास में क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो मुझे जो कंज्यूमर गुड्स में जो रिसोर्सेज लगा हुआ है, जो वीट के प्रोडक्शन में जो लैंड का इस्तेमाल हो रहा है, वीट के प्रोडक्शन में जो कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योर और जो लेबर का यूज हो रहा है, उसमें से मुझे रिसोर्स को कुछ कहां पर लगाना पड़ जाएगा, उसमें से रिसोर्सेज को हमें कैपिटल गुड्स पे लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। अब जब मैं वहां से रिसोर्स उठा करके यहां पर लगाऊंगा तो आप भी इस बात को जानते हैं कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें हमारे पास में वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, क्लियर है? चलिए यहां पर एक स्टूडेंट मुझसे कह रहे शिवानी आपको जो है ना काजल का नंबर होगा, आपको वहां पर पूरी डिटेल क्लासेस के बारे में मिल जाएंगी, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं और आगे क्लासेस कैसे लेनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देखनी है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। हाँ जी, तो यहां पर आप देखेंगे बात मैं करता हूं आपके पास में बी की, तो बी पॉसिबिलिटीज में आपने भी समझा कि अगर मैं 1000 मशीन का प्रोडक्शन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए रिसोर्स कहां से लाऊंगा, मैं लिमिटेड है तो वहीं से शिफ्ट करूंगा, तो वहां से रिसोर्स अगर यहां लाऊंगा तो उसके प्रोडक्शन में क्या आएगी, कमी देखने को मिलेगी, तो इसका प्रोडक्शन कम हो गया। ये बात आपको समझ में आई? तो यहां से सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर मैं एक गुड्स का एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाता हूं, प्रोडक्शन उसका बढ़ाता हूं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, संसाधन सीमित होने की वजह से दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स का अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो मुझे कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में संसाधन, मेरे पास में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और वो रिसोर्सेज को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां तो चलो आपको अच्छे समझ में आ गया, एक कंक्लूजन निकाल लिया, अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा दूसरा प्रोडक्शन कम होगा, तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर नेगेटिव रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि एक का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अगर एक का प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, अगर मैं एक्स और वाई दो की बात करूं, एक्स और वाई की, तो उसमें से अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, दूसरे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो एक्स और वाई में नेगेटिव रिलेशन है। यहां से एक बात तो समझ में आपको आ चुकी है कि नेगेटिव रिलेशन के किसी भी डायग्राम को अगर आप डायग्राम में लेके जाते हो तो वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आपका वो डायग्राम बनता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट आता है, डाउनवर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके डायग्राम के बारे में भी सोच पा रहे हैं कि इसका डायग्राम पीपीसी का जो भी होगा बट वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सी की बात करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि अब कुछ नया नहीं मिलेगा, देखिए अब अभी भी आपको इसमें नया सीखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 1000 मशीन का प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं तो बताओ आप रिसोर्सेज कहां से लाओगे? ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स से आप जो है रिसोर्सेज को ट्रांसफर करोगे। अब वहां पर कंज्यूमर गुड्स की आपको फिर कमी देखने को मिलेगी, तो कितनी मशीन बढ़ाया आपने, एक, तो यहां पर आपके पास में
2000 क्विंटल वीट का आपका प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, वो सवाल मैं आपको देता हूं 5-7 सेकंड, आप कमेंट कर कर करके आप ऑडियो के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं, और आप सवाल मुझसे पूछिए कि इसमें यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में जन्म लेना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा तो उसमें आपका जो है सवाल आपके माइंड में आना चाहिए। हाँ जी, हैंड रेस करा एक स्टूडेंट ने, सचिन अरोड़ा पूछिए। हेलो। हाँ जी सचिन, आ रही है आपके बाद। सर ये कि जब हमने पहला रिड्यूस किया था तो एक क्विंटल वीट सैक्रिफाइस किया था। हाँ जी। सेकंड मशीन के लिए हमने 2 क्विंटल सैक्रिफाइस किए, तो ये क्या इंक्रीजिंग रेट से रिड्यूस होगा? हाँ, एक सवाल क्वेश्चन पूछ लिए सचिन अरोड़ा ने, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। इनका क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा। ऑनलाइन कोर्स का यही फायदा होता है कि आप हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट हो जाते हैं, देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सचिन का क्वेश्चन क्या है कि सर पहले आपने 1000 मशीन, पहले आपने यूनिट की बात कर लेते हैं, छोड़िए, आपने पहले कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन के एक यूनिट के लिए आपने एक यूनिट आपने कंज्यूमर गुड्स का सेक्रीफाइस करा। अब हमें यह बात समझ में नहीं आई कि दोबारा से आपने एक यूनिट मशीन का प्रोडक्शन बढ़ाया, तो अब दोबारा आपको एक यूनिट ही कंज्यूमर गुड्स वीट का प्रोडक्शन आपको डिक्रीज करना चाहिए था जैसे पहले किया था, बट इस बार उसी एक यूनिट मशीन के लिए आपने 2 यूनिट जो है वीट का प्रोडक्शन क्यों रिड्यूस करा, यह सवाल है। पहले जब एक के बदले एक आपने सेक्रीफाइस करा, तो दूसरी बार एक के बदले में 2 क्यों सेक्रीफाइस हो रहा है, ये रेट ऐसे कैसे डिसाइड हो रहा है, ये सवाल आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। इससे बहुत सारे जवाब और बहुत सारे आगे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। मेरी पहले आप इसको भी मैं एक एग्जांपल समझाने की पहले आपको यहां पर कोशिश करूंगा। जनरली आपके क्लासरूम में एक ही क्लास में आप बैठे हैं, तो उस क्लास में आपको अलग अलग तरीके के बच्चे नजर आएंगे। अगर मैं फिजिकली की बात करूं, मैं मेंटल पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं तो उस क्लासरूम में एक जो है कमजोर बच्चा भी नजर आएगा जो कि फिजिकली उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है या फिजिकली उतना वेट लिफ्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपके क्लासरूम में खासकर पीछे जो बैठे हुए रहते हैं वो आपको कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे जो कि फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जो ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले मेरी बात समझिएगा कि आपके क्लासरूम में सारे के सारे, अगर मैं बात करूं फिजिकली स्ट्रेंथ की, तो सारे इक्वली एफिशिएंट नहीं है और नहीं होते हैं। एक क्लास में बहुत छोटा बच्चा भी होता है, वही क्लास है आपके से जो सबसे छोटा होता है क्लास में, सबसे आगे बैठा हुआ मिलेगा, सबसे पीछे बड़े बड़े जो बच्चे वो देखने को मिलेंगे आपको। तो इक्वली सारे के सारे एफिशिएंट नहीं है, इस बात को आप एग्री करते हैं, करते हैं, चलिए ठीक है। अब मान लो कि आपके क्लास में एक टीचर आते हैं, खासकर पीटीआई आगे आपके क्लास में, और उनको कुछ डेस्क वगैरह कहीं पर शिफ्ट करवाना है, और आपकी क्लास से कुछ बच्चे चाहिए, तो सबसे पहले आपकी क्लास से वो कोई जो है एक स्टूडेंट की डिमांड करेगा कि एक बच्चा जो है वो आ जाओ। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो एक स्टूडेंट वही लेके जाएंगे जो कि ज्यादा फिजिकली, जिसको ज्यादा उस पर स्ट्रेंथ होगी चीजों को लिफ्ट करने की, वेट को उठाने की, तो वो एक स्टूडेंट को लेकर चला गया। और एक को किसको लेके जाएगा, ऐसे रैंडमली किसी को भी आगे से एक पकड़ लिया नहीं, वो आते हैं क्लास में तो क्या देखते हैं कि सब ज्यादा एफिशिएंट कौन है, वो उसको फिर इशारा करते हैं कि आप आ जाओ, फिर वो उठा करके उनको ले जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, वो भी खुश होकर के चला जाता है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अब तफरी मारेंगे बाहर। तो इस तरीके से जो है ये तो एक बच्चे की बात है। दोबारा उनको जो है उनको नीड हुआ कि एक काम को करने के लिए और बच्चों के नीड है। अब जब दोबारा वो क्लासरूम में आएंगे तो उतना ही एफिशिएंट कोई मिल पाएगा जितना एफिशिएंट वो पहले बार में ले गए थे? नहीं, क्योंकि सबसे एफिशिएंट तो ऑलरेडी वो पहले सेलेक्ट कर चुके। तो अब उससे जो होंगे नीचे जो होंगे, जो उससे लेस एफिशिएंट के लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, उसको लेंगे। लेकिन उतना ही काम करवाना है जितना कि वो कर रहा है जिसको लेके गया, मुझे 2 स्टूडेंट को लेना पड़ेगा। अब मैं 2 स्टूडेंट लेकर गया, अब तीसरी बार भी मैं आता हूं क्लासरूम में बच्चे को लेने के लिए, तो अब मेरे पास में अब उतने एफिशिएंट नहीं है जितना कि फर्स्ट टाइम में थे और सेकंड टाइम में थे, उससे भी कम एफिशिएंट के बच्चे नजर आएंगे। तो अब मुझे उतना ही काम करवाने के लिए 4 बच्चे लेके जाने पड़ेंगे। अब फिर आगे आता हूं तो मेरे पास में अब बच्चे और भी कम एफिशिएंट है पहले से, तो अब मुझे उतना ही काम करवाने के लिए पहले ज्यादा बच्चे लेके जाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे इकोनॉमी में क्या, किसी के भी इकोनॉमी में सारे के सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में जो रिसोर्सेस को मैंने शिफ्ट किया, यहां पर अगर एक यूनिट मेरे पास में मशीन का प्रोडक्शन बढ़ा तो यहां पर मेरा एक बिट का प्रोडक्शन कम हुआ। अब सेकंड टाइम में क्या होगा,
कि अब मेरे पास में रिसोर्सेज उतने एफिशिएंट नहीं है जितने मेरे पास में फर्स्ट टाइम में मुझे मिले थे। सेकंड टाइम में मेरे पास में उससे लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज है यहां पर कंज्यूमर गुड्स के पास में, तो अब मैं उतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब मुझे पहले से ज्यादा रिसोर्सेज को वहां से लेना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। और जब पहले से ज्यादा रिसोर्सेज को मैं लूंगा तो वहां पर प्रोडक्शन मेरा पहले से ज्यादा डाउन होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि वहां पर ज्यादा कैपेबल था और यहां पर कैपेबल कम है। मेरी बात समझे नहीं समझे? हो सकता है कुछ रिसोर्सेज तो वहां पर ज्यादा वो उसकी एबिलिटी है काम करने की, वहां से मैंने ज्यादा उठा लिया क्योंकि यहां पर उसकी एबिलिटी कम है, तो ज्यादा रिसोर्सेज को मैंने लेने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर मेरा प्रोडक्शन जो है पहले से ज्यादा डाउन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में भी आपको ये चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी कि डी में अगर मैंने एक और प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में अब यहां पर आपके पास में ये 15 हो गया, मतलब कि एक और यूनिट आप मशीन बढ़ाने के लिए 3 सेक्रीफाइस करना पड़ गया आपको वीट का। क्यों? क्योंकि अब दोबारा जब आप गए तो आपके पास में उससे भी लेस एफिशिएंट आपके पास में रिसोर्सेज था, तो उतना ही काम लेने के लिए आपको ज्यादा रिसोर्सेज को वहां से लेना पड़ा, इसकी वजह से पहले से ज्यादा आपका जो है ये डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बात ई की भी करूं तो ई में एक और यूनिट बढ़ाने के लिए अब आपके पास में 11, और यहां पर अगर मैं बात करूं एफ की तो यहां पर एक और बढ़ाने के लिए आपके पास में 6 का, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप इसका जब सारे रिसोर्सेज को यहां पर लगा दोगे तो यहां पर प्रोडक्शन आपका क्या होगा? 0 प्रोडक्शन होगा। पहले इस बात को समझ पाए, तो यहां पर समझने के लिए दो चीजें थी, एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल से दो बातें समझ में आई, एक तो अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कम होगा। दूसरी बात आपको क्या समझ में आते हैं यहां पर कि दूसरे गुड्स का रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से दूसरे प्रोडक्शन कम होगा, और वो भी उसमें कमी किस रेट से होगी? आप देख पा रहे हैं क्या कि पहले आप जो है एक को पाने, पहले तो डैश आप बताइए एक को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करा? एक। अब एक को पाने के लिए कितना करना पड़ा? 2। अब एक को पाने के लिए कितना करना पड़ा? 3। और एक को पाने के लिए कितना करना पड़ा? 4। और एक को पाने के लिए 5। अब उसी एक को गेन करने के लिए 6। तो आपका जो इसे सेक्रीफाइसिंग रेट बोलते हैं, ठीक है, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये सेक्रीफाइसिंग रेट क्या है? ये आपका एक इंक्रीजिंग रेट है। कैसा रेट है? इंक्रीजिंग रेट है। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेट कैसा है? ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेक्रीफाइसिंग रेट को हम बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है जी, क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? MRTS भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। एक मार्जिनल रेट क्या है? टेक्निक का सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम MRTS भी बोलते हैं, और इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, MRTS एक को गेन करने के लिए दूसरे की कितने यूनिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, उस सेक्रीफाइसिंग को हम क्या बोलते हैं? MRTS बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए। और MRTS किस नेचर का होता है? इंक्रीजिंग नेचर का होता है। इंक्रीजिंग नेचर का ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में सारे के सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। जो पहले जितना मैंने ट्रांसफर करा, अब उससे लेस एफिशिएंट मेरे पास में रिसोर्सेस होगा, अब उससे लेस चीजों को ट्रांसफर करूंगा, तो उतना ही प्रोडक्शन करवाने के लिए पहले से ज्यादा को मैं रिसोर्स को लूंगा, और वहां पर पहले से ज्यादा कमी देखने को मिलेगी भी। क्लियर है? इस बात को आपको समझ में आ गया? अब बताइए कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यहां तक कि जो आपने एक शेड्यूल से समझा अभी तक इस कहानी को, बताएं जरा। आगे बढ़े फिर, बताइए आगे बढ़े या ना बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर डायग्राम कैसे बनेगा इसका? चलिए यहीं पर डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी आ पाए। हाँ जी, देखिएगा
पहले पॉइंट से प्लॉट करके मैं डायग्राम बना रहा हूं, एग्जाम में नीड नहीं होती है पॉइंट से प्लॉट करने के डायग्राम के। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका जो डायग्राम है पीपीसी का, सिंपल वे में, अभी फ्री हैंड बता रहा हूं मैं आपको, जो इसका डायग्राम होता है हमारे पास में, सबसे पहले बताइए कौन सा डायग्राम जो है वो सही होगा। क्या ये डायग्राम पीपीसी का करेक्ट है? पीपीसी के लिए क्या ये डायग्राम ठीक है? पीपीसी के लिए क्या ये डायग्राम ठीक है? तो तीन डायग्राम बनाए आपका, आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आप मुझे आंसर करो कि पीपीसी का इन तीनों में से कौन सा डायग्राम होना चाहिए, मतलब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इनमें से कौन सा डायग्राम होना चाहिए। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि सर थर्ड होना चाहिए, थर्ड तो बात की बात है, पहले मुझे बताओ फर्स्ट क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ। एक बात तो इसमें, क्योंकि इसमें दो बातें कह रहा है, एक तो अगर मैं एक चीज को गेन करता हूं तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये बात ये आपको जो है कह रहा है। चेक करते हैं कि इस बात को इसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक एक्स गुड्स है, ये एक्स है और ये वाई है। चलिए एक एक्स इतना है तो वाई क्या है, ठीक है, एक्स ये है तो वाई ये रहा, एक्स है तो वाई ये रहा, एक्स है तो वाई ये रहा, एक्स को गेन करा तो वाई, एक्स को गेन करा तो वाई। आप बताइए मुझे कि यहां पर अगर मैं एक को गेन कर रहा हूं, एक्स को जैसे जैसे मैं गेन करता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे वाई क्या होता जा रहा है, सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है, तो ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बताइए क्या ये वाला डायग्राम हो सकता है इसके लिए? क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, क्योंकि जो सैक्रीफाइसिंग रेट का भी ध्यान रखना है ना आपको, सिर्फ सैक्रीफाइस करने से मतलब नहीं बनता है। हर बार सैक्रीफाइसिंग रेट क्या है, हर बार सैक्रीफाइसिंग रेट क्या है, हर बार सैक्रीफाइसिंग रेट जो है इसका क्या है, वो इक्वल है, ठीक है, जबकि कॉन्सेंट्रेट से हर बार सेम रेट सैक्रीफाइस नहीं कर रहा है। क्लियर है? वो स्ट्रेट लाइन जब होता जबकि कॉन्सेंट्रेट से सैक्रीफाइस करता, या फिर ये स्ट्रेट लाइन जब होता जबकि सारे के सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते। जब सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते तो पहले जितना लिया काम करवाने के लिए, नेक्स्ट टाइम भी मैं उतना ही लेता रिसोर्स को, उससे नेक्स्ट टाइम भी मैं उतना ही लेता जब सारे इक्वली एफिशिएंट होते। तो एक पीपीसी स्ट्रेट लाइन किस केस में हो सकता है? जब हमारे पास में एमआरटीएस कांस्टेंट हो, और एमआरटीएस कांस्टेंट जब हो सकता है जब हमारे पास में सारे के सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। भैया इन छोटी छोटी बातों को आप चर्चा में लेकर आइए, आपको पढ़ते वक्त में हर लाइन दिक्कत तकलीफ देगी अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो। मेरी बात समझे? क्लियर है? अब बहुत जल्दी मैं आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना कि आप जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं आपको एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट करता हूं। आराम से एक एक चीज को पढ़ाते हुए आगे बढ़ना, और आपको पता ही है कि हर बच्चे के जो डाउट है, अपॉइंटमेंट्स है, बच्चा जो है पूछता है तो वो उसकी कॉल मेरे तक आती है, तो फिर मैं उसको अच्छे से रिप्लाई भी करता हूं और क्लासेस में टॉपिक को भी लेकर आता हूं। तो अब आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट को मैं जो है एप्लीकेशन पे ही लूंगा, और एप्लीकेशन पे ही एक टाइम शेड्यूल मैं आपको दूंगा जिसके अंदर के आप सभी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए होंगे, ठीक है, वो आपको दिखेगा। अब इवन मुझे मालूम है कि आप, आपकी मैच्योरिटी लेवल वो हो चुकी है, आप उस लेवल के मैच्योर हो चुके हो कि अब चीटिंग तो आप लोग नहीं करेंगे। चीटिंग इन सेंस आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि अभी आपके पास पे नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, और जब आप अपने एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपने चीटिंग कर भी ली तो एग्जाम में तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ऑनेस्टी के साथ में आप जवाब करेंगे। चलिए मैं, मेरा मानना है कि अगर 10% बच्चे चीटिंग भी कर रहे हैं टेस्ट के लिए तो 10% को जाने दीजिए ना। अब जो अगर 90% बच्चे ने ऑनेस्टी से टेस्ट दिया और उसके मार्क्स को पता लगा तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है ना, क्लियर है? जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उसके लिए हम उसको क्यों अवॉइड करें जो बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा है? हमें तो ध्यान उस पर देखे आगे बढ़ना है। तो इसलिए एक टेस्ट का टाइम रखूंगा, उसमें आप तैयार रखिएगा अपने आपको। यूटिलिटी चैप्टर मैंने नाम बता दिया, पहले चैप्टर को आप तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया ये आपका क्यों नहीं हो सकता है पीपीसी, पीपीसी, क्योंकि एक बात तो यहां पर जाहिर हो रही है, क्या, कि अगर आप एक्स को बढ़ाओगे, एक्स को गेन करोगे तो वाई आपको सेक्रीफाइस होगा। अगर एक्स को गेन करोगे तो वाई आपका सेक्रीफाइस होगा, एक्स को गेन करोगे तो वाई आपका सेक्रीफाइस होगा, और एक्स को गेन करोगे उतनी क्वांटिटी तो वाई आपका सेक्रीफाइस होगा।
अब बताइए मुझे फिर ये क्यों नहीं है, जब एक को हम गेन कर रहे हैं रिसोर्सेज लिमिटेड, दूसरे सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इसको आप क्यों नहीं कह रहे हो पीपीसी? क्योंकि ये आपका जो हर बार सैक्रिफाइस हो रहा है, पहले से क्या हो रहा है, पहले से कम सैक्रिफाइस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर, जबकि ऐसा होता नहीं, जो सैक्रिफाइसिंग रेट है पहले से ज्यादा होता है, इस वजह से ये डायग्राम भी रिजेक्ट हुआ। अगर मैं बात इसकी करूं, एक बढ़ाया दूसरा सैक्रिफाइस हुआ, यहां पर भी हो रही है बातें हो रही हैं, सैक्रिफाइस हुआ तो देख रहे हो आप, पहले इतना सैक्रिफाइस हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, समझे? तो जो सैक्रिफाइसिंग रेट की हर बार पहले से ज्यादा है, इसलिए इसका शेप स्ट्रेट लाइन ना होकर करके, कॉन्वेक्स ना होकर करके, ये ओरिजिन की तरह कैसा होता है, ओरिजिन की तरफ ये कौन सा लेंस बन गया आपका, कॉनकेव बना, नहीं बना, तो ये ओरिजिन की तरफ क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो दो बातें समझ में आ गई कि पीपीसी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि एक नेगेटिव रिलेशन को बताता है कि अगर हम एक अब्लक्शन बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से दूसरे अब्लक्शन कम होगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। दूसरी बात, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटीएस की वजह से ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। और एमआरटीएस इंक्रीजिंग क्यों होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इन बातों का जवाब आपको मिल रहा है कि आपको अपनी थ्योरी में इन्हीं बातों को तो डालना है, और करना क्या है आपको, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, उन बातों को डालना है, समझे जी? तो चलिए अब मैं एक सुंदर सा डायग्राम यहां पर आपका बना देता हूं। देखिए पॉइंट आप फ्री हैंड बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, पॉइंट्स को प्लॉट करने की नीड नहीं है, पर चलिए मैं प्लॉट करके भी आपको चीजें दिखा रहा हूं सामने। ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहां पर हमारे पास में गुड्स एक्स है, और यहां पर हमारे पास में गुड्स वाई है, ठीक है जी? और पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से कि एक्स तो मेरे पास में क्या है, एक दो जीरो, एक दो तीन चार पांच, और यहां पर मेरे पास में ये 18, 15, 20, 11, तो अगर मैं दो दो का लेता हूं तो 11 तक जाना पड़ेगा मुझे ऊपर, दो दो का कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, ठीक है जी? अब सबसे पहले मेरे पास में x क्या है, 0, और हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स y क्या है, 21, तो 0 पर 21, तो 0 पर 21 मेरे पास में ये हुआ, ठीक है? तो यहाँ, और उसके बाद मेरे पास में पॉसिबिलिटी, मैं b की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक है पे 20, आपका जो मशीन है वो एक है और आपका वीट कितना है, 20 है। और उसके बाद अगर हम बात करें सी पर, 2 पर 18, और उसके बाद 3 पर हमारे 15, तो x जहां पर 3 है तो वहां पर 15, ठीक है? और उसके बाद 4 पर आप देखने को मिलेगा 11, तो 4 के बाद 11, तो ये 12 हो गया, 10 हो गया, ये 11 हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको 5 पर 6, तो 5 पर ये आपको 6 मिला, ठीक है? और उसके बाद आपको 6 पर 0। अब इन पॉइंट को कनेक्ट कर दो सभी को, ये पॉसिबिलिटीज जो है आपके, तो आपके पास में एक किस तरीके का बना आपका पीपीसी, ये क्या हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये प्रोडक्शन की तमाम पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। ये ए पॉसिबिलिटीज है, ये बी पॉसिबिलिटीज है, ये सी पॉसिबिलिटी है, डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये आपका जी पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है जी? समझे या नहीं समझे? तो ये एक ऐसा कर्व है जो प्रोडक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दूसरे प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका वो भी इंक्रीजिंग रेट से आपका सैक्रिफाइस होगा।
क्लियर है जी। ये पूरा का पूरा अगर आप समझ चुके हैं तो मतलब कि पीपीसी की कहानी आपके क्लियर हो चुकी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां से। आपको सवाल थे हमारे पास में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंड प्रॉपर्टी एंड अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस एंड अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। गिवन का मतलब हो गया एक लिमिटेड रिसोर्सेज और एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जिसका हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर शोज द वेरियस, इसको पीपीएफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना, शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। क्या मतलब है इसका, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, क्या इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ए का प्रोडक्शन कर सकता है, बी कर सकता है, इन सब का प्रोडक्शन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से यहां पर इकोनॉमी कर सकता है। तो ये कर्व बताता है कि इकोनॉमी किन किन चीजों का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन एक बात कह रहा है यहां पर, इस बात को भी समझिएगा कि अगर आप पीपीसी के कहीं पर भी चले जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं आप। पीपीसी के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को फुल्ली आप यूटिलाइज कर रहे हो। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, लैंड आता है, लेबर आता है। तो रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन का मतलब होता है लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब लेबर का फुल्ली यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया फुल्ली एम्प्लॉयमेंट हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब आप कहोगे सर एक बात तो समझ में आ गई कि रिसोर्स अगर फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, रिसोर्स में हमारा लेबर होता है, तो मतलब लेबर भी फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, जब सभी लेबरों का इस्तेमाल हो रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ये बात तो हम एग्री करते हैं, लेकिन ये बात आप कैसे कह सकते हो कि पीपीसी पर कोई कर्व, पीपीसी कर्व पे कोई पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जा रहा है। सवाल यहां पर आ गया ना आपका, क्लियर है? तो अब इन जवाब को हम लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आपको ऐसा देखने को मिला है क्या कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो, अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका, दूसरे का प्रोडक्शन आपका जो है वो कम होता चला जा रहा है। 18 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या होता चला जा रहा है आपका, दूसरे का प्रोडक्शन आपका जो है कम होता चला जा रहा है। इस बात को आप मानते हैं, ठीक है, क्लियर है? कि अगर आपने एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, दूसरे का प्रोडक्शन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे का प्रोडक्शन आपका कम होता चला जा रहा है। इस बात को आप मानते हैं, क्लियर है जी, क्लियर है, मानते हो इस चीज को? अब लेकिन आप मुझे उस सिचुएशन के बारे में आप बताएं कि जब मैंने एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया पर दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, क्या ऐसा मुमकिन है? रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड है, मैं आपको ये बात पहले कंडीशन डाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रिसोर्सेस हमारे पास में क्या है, लिमिटेड है, ठीक है जी। और मैं यहां पर अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, अगर मैं एक गुड्स का प्रोडक्शन यहां पर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कोई भी कमी नहीं आई। अगर मैं एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, बताइए ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, बताओ, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबल। कब, देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं कि बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा, बड़े दिल से पढ़ा रहा हूं तो बड़े ध्यान समझना है आपको। देखिए, ये आपके पास में जमीन है खेती करने के लिए, ठीक है, इतनी जमीन अवेलेबल है। आप क्या करते हो, आप इतनी जमीन पर आप जो है एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है जी, खेती करने के लिए इतनी जमीन अवेलेबल है, ये रिसोर्स आपके पास में पड़ा हुआ है, क्लियर है? और आप इतने जमीन में से क्या कर रहे हो कि आप पूरे जमीन में से सिर्फ आप इस वाले भाग पर आप खेती कर रहे हो, इस वाले हिस्से पर आप खेती कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से पर, जबकि जमीन पूरी कितनी अवेलेबल है आप देख पा रहे हैं, इस पर एग्रीकल्चर आपका
इस पर आप खेती कर रहे हो, ठीक है, और आप हमारे इकोनॉमी में मान लो वीट 10 यूनिट है, मशीन की हमारे 5 यूनिट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी मशीन में, वो पॉसिबल है अगर मैं इस जमीन को भी यूज में ले आऊं। ये जो जमीन हमारी पड़ी हुई थी जिसको जो पहले अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था रिसोर्सेज का, भैया पहले रिसोर्सेज जितना अवेलेबल था उतना यूज कर रहे थे हम, उतना हम यूज नहीं कर रहे थे, उससे कम ही यूज कर रहे थे, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब मेरा रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था और उसके बाद जब मैं अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइजेशन के अंदर लेकर के आता हूं, अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन के अंदर लेकर के आता हूं, तो मुझे रिसोर्सेज को मशीन से शिफ्ट नहीं करना पड़ा, इसलिए मशीन के प्रोडक्शन में कमी नहीं होगी और यहां पर आपके वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एक एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर मुमकिन है कि अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो और बिना आपके दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कमी किए, बिना रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, वो किस सिचुएशन में, जब आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइजेशन में आपके रिसोर्सेज पड़ा हुआ है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? जब आपके रिसोर्सेज कहां पे पड़ा हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन में आपका रिसोर्सेज है, उस सिचुएशन में ऐसा मुमकिन है, क्लियर है? तो यहां पर आप क्या कहते हैं, तो मतलब पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट ये बताता है कि आप जो है एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो बिना दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कमी किए बिना। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो आप, इसके अंदर इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज, रिसोर्सेस का जो है वो पूर्णतया प्रयोग नहीं हो रहा है, अल्प प्रयोग हो रहा है। मेरी बात समझे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट ये बताता है, मान लो इस पॉइंट पर आप हो, ये आपका वाई, ये इतना आपका एक्स, आप एक्स को बढ़ा सकते हो बिना वाई में कमी किए, ये आपका पॉइंट है, ये आपका वाई, ये आपका एक्स, आप वाई का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो बिना एक्स में कमी किए। तो एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है बिना दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कमी किए बिना, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, तब भी, वो भी कब, जब रिसोर्सेज को आप पहले क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। मेरी बात समझे या नहीं समझे, लेकिन जब आप पीपीसी के ऊपर कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर मुमकिन नहीं है भैया, अगर आप एक को बढ़ाओगे प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर रिसोर्सेज क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहा है। मेरी बात समझे, पीपीसी के अंदर का पॉइंट ये बताता है कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब आप इससे बाहर कैसे जा सकते हो, मतलब कि आप अब पहले से ज्यादा एक्स का प्रोडक्शन, पहले से ज्यादा वाई का प्रोडक्शन, दोनों का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा किस केस में कर सकते हैं, मतलब कि इस पीपी से आप बाहर कैसे चले जाएंगे? इससे बाहर तब जाओगे जब आपका पीपीसी का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, वाई का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा और एक्स का ज्यादा होगा, तो वो शिफ्ट जब होता है, जब हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाता है। एक जमाने में गन्ने का जूस हाथ से पीस पीस कर निकाला करते थे, अब हम उसको मशीन से निकालने लगे हैं, तो अब मेरे पास में रिसोर्सेज उतना ही है, लेकिन पहले से ज्यादा मैं उससे जो है जूस निकाल सकता हूँ, पहले से ज्यादा शुगर प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो सेम रिसोर्सेज से मैं पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल ले सकता हूँ। समझे नहीं समझे, वो कब मुमकिन हो पाया, जब मेरे टेक्नोलॉजी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। मेरी बात समझे, टेक्नोलॉजी में ह्यूमन सोर्स डेवलप हुआ, क्लियर है? एजुकेशन आई कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन आ गया, ठीक है? तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंट्री उसी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे एक बात करूं, तो जहां पहले 5000 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन होता था, अब उतने ही लैंड पर जहां पर पहले 500 किलो वीट का प्रोडक्शन होता था, राइस का सॉरी, जहां पहले 500 किलो चावल का उत्पादन होता था, 1947 की बात कर रहा हूं, 47, 50, 52 की बात है, कि एक हेक्टर पर 500 किलो राइस का प्रोडक्शन होता था, आज उतनी ही जमीन एक हेक्टर पर 3000 किलो राइस का प्रोडक्शन होता है, 6 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो लिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसी रिसोर्सेज में पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है, कैसे? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। तो पीपीसी के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बताता है, पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बताता है, और पीपीसी के बाहर कोई भी पॉइंट जो है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में बताता है। मेरी बात समझे,
क्लियर है, कोई डाउट? तो यहां पर कुछ सवाल ऐसे भी, देखिए मैं सब बातें बता रहा हूं, फिर आगे मेरे लिए चीजें बहुत आसान होंगी, बस समझते जाइए, पढ़ते चले जाइए। अब मुझे आप बताएंगे एक पॉइंट के बारे में बताएंगे आप, चलिए y x रूट्स y है यहां पर और आपके पास में रूट्स क्या है, x है यहां पर, ठीक है, और एक पीपीसी कर्व है। पहले बताओ पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। और पीपीसी कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये हुई है, पीपीसी कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज का हमारा नुकसान पहुंचा है, कोई आपदा आ गई, सुनामी आ गई, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज पहले से बैकवर्ड हो गई है। क्लियर है? हाँ जी, क्या कहता है, अब क्या कहता है यहां पर, PPF shows the various alternative combination of goods and services that an economy can produce when the resources are fully and efficiently employed. PPC shows the optionable options. PPC में options होता है, चाहे आप इस situation पे आप A possibilities में production करवा लें या B possibility को choose कर ले आप. There is a maximum limit to the amount of goods and services which an economy can produce with the given resources and the state of technology. The resources can be used to produce various alternative goods which are called production possibility and the curve showing the different production possibility is called production possibility curve. समझ में आया नहीं आया? ये वही टेबल है और ये वही डायग्राम है और उसी को एक्सप्लेन कर रखा और कुछ नहीं यहाँ पर। Assumption of PPC. Assumption का मतलब ये होता है कि किस किस सिचुएशन में पीपीसी की थ्योरी फॉलो नहीं होती है। पीपीसी की थ्योरी बोलती क्या है, वो ये बोलती है कि अगर हम एक अब्लक्शन बढ़ाएंगे रिसोर्स लिमिटेड, दूसरे अब्लक्शन कम होगा। ये है पीपीसी की थ्योरी। अजम्पशन मतलब कि कहां कहां पर ये थ्योरी फेल हो जाती है, जब आप रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो ये थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि आप यहां पर एक अब्लक्शन दूसरे में कमी किए बिना भी बढ़ा सकते हैं। तो यही बात क्या है कि आपके पास में, इसके पास में एक सबसे पहले इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज होना चाहिए हमारे पास में, और रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होगा तो फिर वो थ्योरी हमारी फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर है। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब रिसोर्सेज ऐसा नहीं होना चाहिए यहीं पर लगेगा, रिसोर्सेज को कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई और काम भी उससे करवाया जा सकता है, जैसे लैंड है उससे खेती भी हो सकती है और लैंड पर फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, समझे। तो ये कुछ इसके क्या है, अजम्पशंस है। और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों डाउनवर्ड होता है ये, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन को बताता है। किस नेगेटिव रिलेशन को बताता है, ये एक्स और वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशन बताता है। क्या है, अगर एक्स का अब्लक्शन ज्यादा करूंगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वाई का अब्लक्शन कम होगा। तो आइए क्या कहते हैं, पीपीएफ शो ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इन सच अ केस मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्स अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर गुड। एक गुड्स का प्रोडक्शन जब भी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरे गुड्स से हम उसका रिसोर्सेज को ले लें। एज देयर एग्जिस्ट एंड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एंड द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द अदर कॉमोडिटी, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया या नहीं आया? आगे बात कहते हैं, पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड। पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआर रेट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन। तो MRTS की वजह से क्यों होता है ये कॉनकेव, इंक्रीजिंग MRTS की वजह से। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वन कम्युनिटी आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ अनदर कम्युनिटी। MRTS इंक्रीज बिकॉज इट अज्यूम दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट। मेरी जो जो बातें कही थी सारी बातें आ रही है नहीं आ रही है थ्योरी में आपके, बताइए क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमने यहां पर पढ़ लिया है। अब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिस्कस हाउ इट रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। अब नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और अगली क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास साबित होगी, ठीक है जी। फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुल मिलाकर के हम जो है यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास को, ठीक है।
उसके बाद तो क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर आपका इंडिफरेंस कर्व था, जिसको पढ़ाने में काफी समय समय पर समय चला जाता है, लेकिन हमने उसको कर लिया है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब डिमांड में हम अपनी स्पीड पर इसको नेक्स्ट क्लास खत्म करके फिर नेक्स्ट डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन उसके बाद सप्लाई और एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी कोई क्वारी, कोई डाउट तो आप प्लीज पूछिए।